नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब्स यूपी में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बात करेंगे ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पदों पर भर्ती निकली उसके बारे में। तो कई लोगों ने, आप लोगों ने सब पूछा है कि ये जो विज्ञापन निकला है इसमें स्थायी और अस्थायी पदों के लिए क्या क्या फ़र्क है या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो है विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018, ठीक है, चलिए इसके में देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या स्थाई है क्या अस्थाई है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, जो सारणी में दिया हुआ है आपके निदेशक पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पद हैं, इनमें पदों की प्रकृति जो लिखी है वो स्थाई लिखी है। निदेशक समाज कल्याण के लिए ग्राम विकास अधिकारी के जो पद हैं 362, इन पे पदों की प्रकृति अस्थाई लिखी है। और निदेशक समाज कल्याण के ही समाज कल्याण पर्यवेक्षक के जो पद हैं उनमें जो 64 पद हैं उसमें पदों की प्रकृति स्थाई लिख रखी है। अब देखिए, निदेशक समाज कल्याण के ही दो तरह के पद हैं, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक है। एक में अस्थाई लिखा है, एक में स्थाई लिखा है। इनका मतलब क्या होता है, ठीक है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स, कई सारे लोग आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताते रहते हैं लेकिन कोई सही चीज़ सही जानकारी नहीं देता। इसमें देखिए मेन बात, तो सबसे पहले जितने भी सरकारी पद रहते हैं वो सब स्थाई ही रहते हैं, ठीक है, अस्थाई जैसा कुछ नहीं होता, ठीक। हाँ, जब आपकी नियुक्ति होती है इसमें तो 2 साल के लिए परिवीक्षा अवधि रहती है जिसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। परिवीक्षा अवधि में आपका कार्य देखा जाता है, तब तक जब तक परिवीक्षा अवधि रहती तो आप अस्थाई रहते हैं, मतलब आपके जो पद की प्रकृति होती है वो लिखित तौर पर अस्थाई होती है, ठीक है, कि 2 साल में आपका कार्य देखा जाता है, आपका कार्य किस तरह है ना, आपकी वार्षिक जो प्रविष्टि होती है जो अधिकारी देते हैं वो किस तरह का है, मतलब उसमें क्या आपको मिला है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब 2 साल हो जाता है उसके बाद अगर आपकी जो सेवा है वो संतोषजनक है और कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं है तो आपको उसी पद पे स्थायी कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब विभाग में देखा जाता है कि जो विभाग की स्ट्रेंथ है या एक विभाग में जैसे 20 ही पद हैं और उस पद पे जो नीचे के पद होते हैं जहाँ पे जो एंट्री लेवल के पद होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कई सारे बीच में जैसे मृतक आश्रित पे कोई भर्ती हो गया, जैसे किसी की सेवा काल में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की जब असमय मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाती है, तो एंट्री लेवल पे वो आते हैं। उससे क्या होता है, जो विभाग की एक संरचना, जैसे विभाग ने अध्याचन भेजा था 20 पदों का और मृतक आश्रित में 2-3 पद हो गए हैं तो विभाग के 20 पद खाली चल रहे हैं, तो होता क्या है कि कुछ पद उसमें अस्थाई रहते हैं, ठीक है, वो आगे चल के स्थाई हो जाते हैं सब। आपको देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकारी नौकरी में जो है जो प्रोबेशन पीरियड होता है हर सरकारी नौकरी में वो 2 साल का होता है, 2 साल तक आप अस्थाई रहते हैं, मतलब आपकी अगर कार्य संतोषजनक नहीं है, कुछ ऐसी बात पता चलती है जिससे आपका जो है कोई भी ऐसी बात पता चलती है कि आप किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या कुछ भी ऐसी बात कोई भी जो आपकी नेगेटिव जा सकती है, तो आपको अगर आप परिवीक्षा अवधि में हैं तो आपको नोटिस देके नौकरी से निकाला भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप 2 साल पूरा कर लेते हैं उसके बाद विभाग जो है आपको स्थायीकरण करता है, ठीक है, आपको एक आदेश दिया जाता है लिखित में कि अब आप इस पद पर स्थाई हैं। स्थाई जब आप हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको एक आदेश मिल जाता है लिखित तौर पे कि अब आप इस विभाग में इस पद पर स्थाई हैं, मतलब अब उसका मतलब ये होता है कि अब अगर वो विभाग रहे कल को या ना रहे आपकी नौकरी ज़रूर रहेगी। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे कई सारे अभी जैसे सीमेंट निगम था उत्तर प्रदेश में, उस विभाग को, उस निगम को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, तो उस निगम को जब ख़त्म किया गया तो जो उसके स्थायी कर्मचारी थे उनको तो नौकरी कहीं ना कहीं दी नहीं थी क्योंकि वो स्थायी कर्मचारी, अस्थायी होते तो उनको नोटिस देके हटा दिया जाता कि 1 महीने का तनख्वाह देके 6 महीने की तनख्वाह देके उनको हटा दिया, लेकिन अस्थायी पद जब होते हैं तो उनको दूसरे विभागों में
संविलीन किया जाता है, मतलब दूसरी विभाग को उनको दूसरी विभागों में उनको एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि वो स्थाई हैं, स्थाई कर्मचारी हैं सरकार के। और सरकार के जो स्थाई कर्मचारी होते हैं उनको आप बिना किसी वजह से ना नौकरी से निकाल सकते हैं और ना ही कोई उन पर कोई भी निगेटिव कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनको दूसरे विभागों में एडजस्ट किया गया सीमेंट निगम के कर्मचारियों को। ये फॉरन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अभी यूपी की बात। तो ये मतलब होता है अस्थाई और अस्थाई का। तो ये जो निदेशक समाज कल्याण का आप ग्राम विकास अधिकारी का अस्थाई पद की प्रकृति देख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपके जब आपकी परिवीक्षा भी ख़त्म हो जाएगी तो ये सब स्थाई हो जाएंगे, ठीक है। और कई लोग पूछ रहे थे कि ट्रिपल सी जो हमारा चाहिए, ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ, तो जो आपका ट्रिपल सी चाहिए वो इस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसके पहले तक आपका सर्टिफिकेट होना होना चाहिए। जिस फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 जून है तो इसके पहले का ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कही थी बताने के लिए, तो मैंने कहा कि इनको बता देते हैं। तो होप सो आप लोगों को स्थाई और अस्थाई में पदों पे अंतर पता चल गया होगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप अपनी तैयारी कीजिए और अच्छे से जो है इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।